सत्य के साथ। रावण की बुराइयों, उसके अहंकार को, उसके ज्ञान के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब वह लंका कैसी दिखती है, जिसके बारे में रामायण में भी जिक्र किया था? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। श्रीलंका के लोग इसे रावण की लंका बताते हैं। रावण अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहता था। रावण का महल इसी पहाड़ी पर था। कहा जाता है कि यहाँ रावण और उसकी पत्नी के अलावा बिना उसकी इजाजत के किसी का पहुंच पाना नामुमकिन था। कहा जाता है कि आज श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, वहाँ ही रावण का महल हुआ करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रावण का महल जिस चट्टान पर था वो कितना दुर्गम स्थल है। कहा जाता है कि सिगिरिया ही वह स्थान है जहाँ रावण रहता था। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में काफी दूर तक फैला हुआ था, मगर रावण सिगिरिया में ही रहता था। इस महल के लिए कहा जाता है कि ये महल भी कुबेर ने बनाया था। बता दें कि सिगिरिया रॉक चट्टान के शीर्ष पर एक प्राचीन महल का अवशेष है, जो किलेबंदी, सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फुहारों से घिरा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ कुछ दिन माता सीता को रखा था, जिसके बारे में आपने रामायण में सुना होगा। इसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। इस महल की खास बात ये थी कि ये काफी ऊंचाई पर था, जहाँ पर लोगों का पहुँचना नामुमकिन था, और इसमें पानी के लिए खास सिस्टम था। साथ ही रानियों के लिए यहाँ कई बाग भी बने हुए थे। इस महल के लिए कहा जाता है कि ये करीब 1000 सीढ़ियों के साथ बना हुआ है। इस पे टॉप पर जाने के लिए पहले लिफ्ट हुआ करती थी। इसके साथ ही यहाँ कई गुफाएं हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि उन गुफाओं को माता सीता को रखा गया था। गुफा की दीवारों में अभी भी चमकीले रंग की चित्र है, जो कि रामायण के युग के दृश्यों को दर्शाते हैं। आशा है आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।